यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और उसका 15वां बाब जो 8 आयात पर मुश्तमिल है। फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान यानी 7 फरिश्ते 7ों पिछली आफतों को लिए हुए देखे, क्योंकि इन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया है। फिर मैंने शीशे का सा एक समुंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, उनको उस शीशे के समुंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा, और वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रे का गीत गा गा कर कहते थे, ए खुदावंद खुदा कादरे मुतलिक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं, ए अजली बादशाह तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं, ए खुदावंद कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कुदूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सिजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए हैं। इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के खैमे का मकदिस आसमान में खोला गया, और वो 7ों फरिश्ते जिनके पास 7ों आफते थीं आबदार और चमकदार जवाहिर से आरास्ता और सीनों पर सुनहरी सीना बंद बांधे हुए मकदिस से निकले, और उन 4ों जानदारों में से एक ने 7 सोने के प्याले अब्दुलबाद जिंदा रहने वाले खुदा के कहर से भरे हुए उन 7ों फरिश्तों को दिए, और खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के सबब से मकदिस धुएं से भर गया। और जब तक उन 7ों फरिश्तों की 7ों आफतें खत्म ना हो चुकी, कोई उस मकदिस में दाखिल ना हो सका।